नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। जैसा कि हम इन दोनों टॉपिकों को हम बारी बारी से बता चुके हैं, जो क्रिटिकल एंगल क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपको पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा जो हम बोले थे, जो हम इन सब को इसलिए डिटेल कर रहे हैं क्योंकि हम जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है जो हम डायरेक्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। यानी इसको हम अगर हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे जो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है, इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। तो हमारे पास दो माध्यम है, उस माध्यम के सापेक्ष हम उसके अपवर्तनांक को निकाल लेते हैं। तो अपवर्तनांक हम निकाल लेते हैं तो μ21 इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। देखिए ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, अब वहाँ से डायरेक्ट हम इक्वेशन को लेके आए हैं। अब हमारे पास जो आई जो है वो सी में चेंज हो रहा है, आई जो है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इंसिडेंट एंगल जो हो रहा है वो क्रिटिकल एंगल में हो रहा है। कब? जब आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आर हो जाएगा 90 डिग्री तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी, यानी इंसिडेंट एंगल जो हो जाएंगे वो रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल के बराबर में हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, μ21 इजकल टू साइन आई के जगह पे हम सी कर दे रहे हैं और साइन आर जो हमारे पास है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। शायद आप जानते होंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास आया इक्वेशन μ21 इजकल टू साइन सी, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं साइन सी आ गया। अब ध्यान से इस चीज को फिर से हम अब पीछे चलेंगे तो μ12 जो होता था ना, μ21 जो होता था वो किसके बराबर में होता है, 1/μ12 के बराबर में, μ12 के बराबर में होता था। तो अब देखिए हम μ12 की जगह पे, μ21 के जगह पे अब हम इतना डाल दे रहे हैं। तो जैसे ही हम ये जो इक्वेशन आया तो μ2 बराबर, तो हम यहां से देख रहे हैं जो साइन सी है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ12। देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे 2/1 आ गया तो साइन सी निकालेंगे। अब किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, μ2 के सापेक्ष μ1 का, और यहाँ पे जब हम निकालेंगे μ1 के सापेक्ष μ2 के सापेक्ष, तो यहाँ से हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो μ12 इजकल टू μ12 साइन से इजकल टू 1, देयर फोर μ12, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, μ12 इजकल टू 1/sin सी। और एक यहाँ से एक और रिलेशन यहाँ से क्रिएट हो गया। तो दोनों के सापेक्ष हम क्रिटिकल एंगल रिलेशन को दिखाएं, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का, दोनों में ये हमारे पास था दोनों के बीच रिलेशन। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ से अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल दिया रहे तो उसके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हम क्रिटिकल एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ से अगर हम फिर से देख रहे हैं तो हमारे पास सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/μ12 और साइन इनवर्स, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।